फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल माय एकेडमी पॉइंट। अभी मैंने आप लोगों को प्रीवियस वीडियो पे एक्सरसाइज 1.2 का 3 सम्स तक का मैंने सम समझाया। अभी क्वेश्चन नंबर 4 पे जाती हूँ। जो गिवन द एचसीएफ ऑफ 306 और 657 का 9 आंसर आता है, एचसीएफ में फाइंड आउट किया तो अब हमें एलसीएम फाइंड करना है। तो इसमें क्या हमें देखना है, एलसीएम सॉल्यूशन दे रही हूँ, एलसीएम इंटू एचसीएफ, ओके, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे टू नंबर्स, ओके। अभी यहाँ पे एलसीएम तो हमको फाइंड करना है, उसका नंबर नहीं दिया। एलसीएफ क्या है 9, और प्रोडक्ट क्या है, ये दोनों का प्रोडक्ट लेंगे 306 इंटू 657। अब हम क्रॉस पे जाएंगे, एलसीएम को फाइंड करेंगे, 306 इंटू 657 अपॉन 9, ओके। अब 9 का टेबल पे हम 657 देखेंगे आता है कि नहीं। 657 जा 63, 27 माइनस करेंगे तो 3 जा 27, ओके। सो 91 जा 973 जा, ओके। दोस्तों आप एलसीएम क्या है, एलसीएम ये 306 इंटू 73 करना है, ये दोनों प्रोडक्ट का जो आएगा आंसर वो है एलसीएम। तो मैंने डायरेक्टली कर लेती हूँ, 22338 आंसर आता है। आप मल्टीप्लिकेशन करके देख लीजिएगा, उसका आंसर यही आएगा। सी, ये प्रोडक्ट हमें एलसीएफ का मिल चुका है, एलसीएम का फाइंड करना है। तो प्रीवियस सम्स में हमने ऐसे बताया कि एलसीएम और एलसीएफ दोनों प्रोडक्ट मल्टीप्लाई करना है और प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स देना, वो इक्वल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो फॉर्मूला में एलसीएम हम फाइंड कर सकते हैं, ओके। दोस्तों अब मैं क्वेश्चन नंबर 5 पे जा रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 भी बहुत ही शॉर्ट है, वो क्वेश्चन लिख देती हूँ। आप प्लीज दोस्तों पेन और बुक लेके रखिए, जब वीडियो देखते होंगे तब लिखते जाइएगा, ओके। क्योंकि लिखने से ही आपको प्रैक्टिस होगा। मैथ्स लर्न कर नहीं सकते हम, बाहर नहीं कर सकते, हमें प्रैक्टिस करना चाहिए, लिख लिख के प्रैक्टिस होना चाहिए। अब क्वेश्चन 5th है, चेक वेदर 6n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। ओके, ये है क्वेश्चन। अभी इसमें हमें नहीं पता है 6n 0 डिजिट आता है या नहीं आता है, वो हमें नहीं पता, वो फाइंड आउट करना है। अब नेचुरल नंबर तो हमने फर्स्ट वीडियो इंट्रोडक्शन में बताया, 1, 2, 3 जहाँ तक जा सकता है वहाँ तक है, ओके। अब 6n है, अभी मैंने 6n को ये 1n इज इक्वल टू 1 किया तो उसमें 6 आया, 6 2 किया n 2 लिया तो 36 आया, 6 3 लिया, ऐसे आंसर्स जाते रहेंगे। सो देर इज नो नेचुरल नंबर n फॉर दिस द टू गेट द जीरो डिजिट, ओके। उसका आंसर यही है। अगर आपको स्टेटमेंट लिखना है तो लास्ट में ऐसे लिखते हैं, सो देर इज नो नेचुरल नंबर n for which 6n can end with the digit यही आंसर है, ओके। दोस्तों अभी 1.2 में दो वीडियो बाकी है, क्वेश्चन 6 और क्वेश्चन 7, वो भी मैं अभी करवा देती हूँ ताकि आप लोगों को वो वीडियो भी, एक्सरसाइज 1.1 पूरा हो गया, एक्सरसाइज 1.2, अब उसमें 1.3 1.4 भी है, वो सब वीडियोस में आप लोगों के लिए लेके आऊँगी। सो दोस्तों कोई भी डाउट्स हो, कुछ भी पूछना हो तो
बिल्कुल शर्माइए मत, कमेंट सेक्शन पे आप सेंड कर सकते हैं आपके क्वेरीज। और अगर आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आया है तो आप अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, आपके फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को शेयर कीजिए, ताकि वहाँ पे वो लोग भी उनको शेयर कर सकते हैं। तो ये वीडियो मेरा देख के सब शेयर करेंगे, सीखेंगे। ओके, लेट द स्टूडेंट्स लर्न फ्रॉम माय वीडियो। इट इज़ वेरी इजी एंड इम्पॉर्टेंट मेथड फॉर द सेक्शन 10th स्टैंडर्ड के लिए। अभी से आप प्रैक्टिस करोगे तो वो दिसंबर मंथ या मार्च मंथ तक भी आप प्रैक्टिस करते जाओगे, यू विल गेट 100% श्योर, दैट इज माई गारंटी। ओके, सो इफ यू लाइक माई वीडियो, क्लिक द लाइक बटन, कमेंट, शेयर एंड डोंट फॉरगेट टू पुट द सब्सक्राइब, ओके बटन, सब्सक्राइब बटन दबाना मत भूलना, ताकि आपको मेरा नया वीडियो दिख सके। थैंक यू।